दोस्तों स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि टाइम टेबल ऑफिशियली आ गया है, तो क्या अब यही रहेगा या फिर इसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा? और जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और 1.5 घंटे में प्रश्न पत्र को हम अच्छे से कैसे सॉल्व करें जिससे हमें अच्छे मार्क्स गेन हों, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। और परीक्षा केंद्रों के को लेकर क्या एक नई अपडेट है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो 10 से 15 मिनट का वीडियो है। आप वीडियो को अच्छे से देखें जिससे सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए और बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो 10 मिनट की वीडियो लगभग है, तो आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी खबर आई है उसके बारे में भी बताएंगे और 1.5 घंटे में प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है इसके बारे में भी एक अच्छी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में हम 1.5 घंटे में प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और उससे पहले अगर बात करें कि जो एग्ज़ाम में टॉपर्स होते हैं तो वो टॉपर कैसे बनते हैं, वो एग्ज़ाम में क्या स्पेशल करते हैं जिससे वो टॉपर बनते हैं। आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि वो टॉप कैसे करते हैं, क्योंकि वो कुछ यूनिक करते हैं इसीलिए वो टॉप करते हैं। तो इसका एक सीधा साधारण सा जवाब है कि वो अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं और अपनी लिखने की जो स्पीड है और हैंडराइटिंग है इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। अब बात करें कि एग्ज़ाम में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नोट कर लें, 7 प्रश्न होंगे। 7 में से जो हमारे 5 प्रश्न होंगे ये हमारे लघु उत्तरीय होंगे, ये लघु उत्तरीय होंगे। बाकी के जो 2 प्रश्न होंगे ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो 5 टोटल हमारे क्यों 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 लघु उत्तरी 2 दीर्घ उत्तरी। तो अब इनको कैसे करना है और कब करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अच्छे से एक चीज़ ज़रूर फिट हो जाए कि प्रश्नों के उत्तर एक सीक्वेंस में देने हैं। अगर हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पहले आते हैं तो हमको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अगर लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर पहले देने हैं तो हम पहले लघु उत्तरी प्रश्नों के ही उत्तर देंगे और लघु उत्तरी के क्वेश्चंस पहले ही आएंगे, ये तो चीज़ कंफर्म ही रहती है, और दीर्घ उत्तरी बाद में ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमें पहले लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही दीर्घ उत्तरी प्रश्न देने हैं और एक सीक्वेंस से उत्तर लिखने हैं। अगर पहला आता है तो पहला लिखेंगे, दूसरा आता है तो दूसरा लिखेंगे। अगर हम प्रश्नों की उत्तर एक क्रम से सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर का जो माइंड है ये डाइवर्ट नहीं होता है, उसे कॉपी चेक करने के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं ये करने होते हैं। तो ये आपको चीज़ बहुत ही ध्यान देनी है कि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक सीक्वेंस से ही सॉल्व करने हैं। इसीलिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हमारी राइटिंग सही होती है और हमारे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो सही रहता है, तो हम काफ़ी हद तक एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं जिससे हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आज 2 जुलाई हो गई है, तो अब हमको क्या करना है, हमें सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक काम आप प्रतिदिन क्या कर सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, आप 5 लघु उत्तरी और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को एक क्रम से एक रफ पर, रफ के पेज पर कहीं भी आप लिखें और क्या करें कि उसको एक नियमित टाइमिंग बनाएं, एक बार या दिन में 2 बार, कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, मतलब जैसे कि 5 लघु उत्तरी होने चाहिए 2 दीर्घ उत्तरी, तो 1.5 घंटे के अंदर हमको सॉल्व करना है। वो कैसे करना है तो आप स्पीड बढ़ाएं अपनी और अच्छे से सॉल्व करें। एक काम और करें, हम आपको और बता दे रहे हैं कि 5 क्वेश्चन में से एक काम करें कि 3 प्रश्न ऐसे करें कि आधे घंटे के अंदर ही
पांच में से तीन लघु उत्तरीय प्रश्न हमको हल कर लेने हैं। तो अगर माइंड में हमारे ये रहेगा कि 30 मिनट में पाँच क्वेश्चन, मतलब 30 मिनट में तीन क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करने हैं, अगर दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और बाद के 15 मिनट में दो क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 45 से 50 मिनट में हमको लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने हैं, बाद के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं ये शेष समय में सॉल्व करने हैं। तो दिमाग में अपनी एक टाइमिंग बना के चलें कि हमें इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आधे घंटे के अंदर आप क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लें। और एग्ज़ाम से पहले ये काम तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी हेल्प मिलेगी। प्रतिदिन आपको 7 क्वेश्चन हल करने हैं, अगर एक बार में दिन में करें तो एक बार, या फिर दो बार करना चाहें तो दो बार करें। एक जगह 7 प्रश्न लिखें, 5 लघु उत्तरी, 2 दीर्घ उत्तरी, और 1.5 घंटे के अंदर में एक मॉडल पेपर तरीके से उसको हल करें। तो इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइटिंग भी अच्छी बनाएं, और इसकी इससे आपकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप ये सारी टिप्स अपनाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं जो न्यूज निकल के आई है आज, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में वार्षिक परीक्षाएं 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। सभी को पता है मौजूदा टाइम टेबल के हिसाब से उन्हें 15 अगस्त से पहले तक ख़त्म कर देनी है, और मूल्यांकन के 31 अगस्त तक परिणाम की घोषणा भी कर देनी है। परीक्षाएं 3 पालियों में पूरी कराई जाएंगी। परीक्षा समिति की बैठक में पिछले दिनों टाइम टेबल और परीक्षा के नियमों पर सहमत बनी। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के साथ स्नातकोत्तर प्रथम और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं ही ली जाएंगी। शेष परीक्षार्थियों को पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इसी तरह द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा के परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष का रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर ईके त्यागी ने बताया कि पाठ्यक्रमों में एक विषय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्रों को एक साथ समाहित कर हर विषय का एक ही पेपर लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 घंटे में हल करने होंगे 7 प्रश्न। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र इस बार परीक्षा का समय और प्रश्न पत्र का आकार कम कर दिया गया है। 1.5 घंटे की लिखित परीक्षा में 7 प्रश्न होंगे, इसमें 5 लघु उत्तरी और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर 150 शब्द और बड़े प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में देना होगा। कुलपति ने बताया कि विधि की परीक्षाओं के लिए बार काउंसलिंग के निर्देशों का इंतजार, MBBS, BAMS और नर्सिंग की परीक्षा मेडिकल और नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस के अनुसार 3 घंटे की होंगी। इसी तरह MBA की परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। कोविड प्रोटोकॉल को भी मिलेगा मौका। कोविड संक्रमण के कारण यदि कोई छात्र छात्रा परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उन्हें बाद में विशेष परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में असंतुष्ट हो तो वह सत्र 2022 में होने वाली बैक या श्रेणी सुधार परीक्षाओं में बैठकर अपना परिणाम सुधार सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे होगी विद्यापीठ की परीक्षाएँ, ज़्यादातर परीक्षार्थी मुख्य परिसर में ही कराई जाएंगी। पिछले वर्षों की तरह संबद्ध कॉलेजों में सेंटर बनेंगे। परीक्षा के दौरान कोविड मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे सीटिंग अरेंजमेंट। बॉडी टेम्परेचर के की जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। बाहरी परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों की जाँच होगी। परीक्षा केंद्रों को जोड़ने ये नए बनाने पर भी हो रहा है विचार, मतलब परीक्षा केंद्र नए भी बन सकते हैं, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। संबद्ध कॉलेजों में मौजूदा टाइम टेबल पर मांगी गई आपत्तियाँ, तो बहुत ही मतलब जो भी संबद्ध कॉलेज हैं उनमें टाइम टेबल पर आपत्तियाँ कुछ मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण कर अगले 2 दिनों में होगा फाइनल टाइम टेबल घोषित। तो मतलब अगले 2 दिन में फाइनल टाइम टेबल घोषित होगा, मतलब अगर यही रहेगा तो यही रहेगा, अगर चेंज होगा तो नया टाइम टेबल भी आ सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।